हाय एवरीवन, आज हम सूजी और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा नाश्ता की रेसिपी लेके आए, जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। ये कितनी क्रिस्पी बना है देखिए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप चलिए देर किस बात की, नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लिया है, 1 कप सूजी ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। बेटर को हमें पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा टाइट इस तरह से बनाना है। देखिए, अगर पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो आपके आटे की मात्रा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। मिक्स कर लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। दूसरा बाउल ले लिया है, 2 बॉयल आलू ले लिया है। आलू को हम ग्रेट करके ले लेंगे, आप मैश करके भी ले सकते हो, कोई लम्स ना रहे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, आधी चम्मच साबुत जीरा मिलाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और बारीक कटी हुई हरा धनिया, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मिक्स करेंगे। अगर आपको और चटपटा चाहिए तो इसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कम मसाले से बना रही हूँ। मिक्स कर लिया है, इधर सूजी भी सॉफ्ट हो गई है। अब सूजी को ले लेंगे, सूजी और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तरह से बनाने से जो पूरी बनेंगे वो खस्ता बनेंगे। 1 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सख्त डो लगाना है, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो लगा लेंगे। डो लगा लिया है, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इस तरह से मसलते हुए चिकना करके ले लेंगे। गर्मी में रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से बनाइए, सब मांग मांग कर खाएंगे। अब 2 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। 2 मिनट हो गई है, डो हमारी सेट हो गई है। चकला ले लेंगे, चकला के ऊपर ले लेंगे, कुछ सेकंड मसल के चिकना करके ले लेंगे। चिकना करके ले लिया है, छोटे छोटे लोहे निकालेंगे, जिस तरह से पूरी के लिए लोहे निकलते हैं, सभी लोहे को निकाल के ले लिया है। 1 लोहे ले लेंगे, इस तरह से गोला करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है ताकि नीचे चिपके ना। अब हम बेल लेंगे, देखिए बेल लिया है। इसी तरह से सभी को बना के रेडी करेंगे। सभी पूड़ी को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम डालेंगे एक एक करके, इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करेंगे। इस तरह से ऑयल ऊपर से डालेंगे, देखिए कैसे फूल गई है। अब हम पलट लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अलट पलट के 2 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में इस मसाला पूरी को बना के रेडी कर सकते हो। अगर रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, सुबह शाम के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में बना के दे सकते हो, सबको पसंद आएंगे। देखो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। सीख गई है, कलर बढ़िया आ गई है, हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी पूरी को बना के रेडी करेंगे। पूरी हमारी रेडी है खाने के लिए। दही के साथ सर्व किया है, मीठी दही है। आप रायता के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, खाली भी खा सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। सबसे पहले डो लगाना है, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1.5 कप पानी मिलाएंगे, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो डालेंगे और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल। अब पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गई है, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 1 कप सूजी ले लिया है, सूजी डालेंगे। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक ड्राई ना हो जाए। इस प्रोसेस को गैस का फ्लेम लो करके करना है, बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगते हैं। डो हमारी रेडी है, कढ़ाई में से छोड़ दिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके ले लेंगे। प्लेट में निकाल के ले लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो गई है। 2 बॉयल आलू ले लिया है, ग्रेट करके वो डालेंगे और बारीक कटी हुई हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और कोई मसाला नहीं डालेंगे। इसी से ही हमारी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। आलू और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। मिक्स कर लिया है, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा पोषण ले लेंगे नींबू के आकार जितना। फिर हाथों के अंदर गोला करेंगे, फिर लंबाई में ले लेंगे, फिर इस तरह से हल्के से दबा लेंगे, फिर इस तरह से शेप में ले आएंगे। बहुत ही आसान है बनाना, कोई भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हम सभी को बना के रेडी कर लेंगे। सभी नाश्ता को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। देखिए बहुत ही कम ऑयल डाला है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके लेना है। अब हम नाश्ता को डालेंगे, एक बारी में जितना आ जाए उतना ही डालना है।
अब गैस का पहले हम हाई टू मीडियम करके एक साइड सेकने देंगे। तो एक साइड सेक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, दूसरी साइड भी सेक लेंगे। शैलो फ्राई कर रही है, अब डीप फ्राई भी कर सकते हो। फिर से पलट लेंगे, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। पलट लिया है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे, पलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम कुछ हल्का फुल्का खाना हो, चाय के साथ कुछ खाना हो, अगर अचानक मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हो इस रेसिपी को। सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। एकदम न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे, आज से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, कितनी बढ़िया लग रही है, देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता है, और उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।